तो ऐसे ही टिप्स को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो, आपको फैट लॉस तो दिखेगा एज वेल एज आपको मास गेन भी देखने को मिलेगा और आपका मसल क्या भाई आ जा क्या समस्या है आपकी? हेयर फॉल भाई। अच्छा हेयर फॉल तो सभी यूथ की समस्या है राइट? तो जैसे कि मेरे छोटे भाई आज मुझ तक अप्रोच किए हैं हेयर फॉल समस्या लेके, और इसी के बारे में मैं अपने वीडियो पे आज बात करने जाऊंगा और 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में भी बात करूंगा जो यूजुअली टीनेजर्स करते हैं जिससे कि हेयर लॉस एज वेल एज हेयर पिगमेंटेशन भी लॉस देखने को मिलता है। सो वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। सो हे एवरीवन, माय नेम इज देवादित्य, यू आर वाचिंग TFF एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेयर फॉल एज वेल एज हेयर लॉस क्यों दिख रहा है हमें। तो सबसे पहला और सबसे मेजर कारण है कि ख़राब लाइफस्टाइल, और दूसरा कारण है कि जेनेटिक्स, जिसका आप कुछ नहीं कर पाओगे यूजुअली। तो एक्चुअली DHT रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली अगर आप जेनेटिकल फैक्टर्स को देखें, क्योंकि DHT तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन का एक पार्ट है इन इट्स हेरिटेटिव फॉर्म। सो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादातर आपके टेस्टिस में जनरेट होता है या फिर प्रोड्यूस, कुछ भी आप कह लो, वही थ्रू ब्लड स्ट्रीम आपके हेयर फॉलिकल को जाके हिट करता है और उसके बाद वो DHT में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपके जो हेयर है वो थिन हो जाते हैं एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस हेयर, और थिन होने के कारण आपके हेयर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि 10 मिस्टेक्स के बारे में, 10 मिस्टेक्स के बारे में जो टीनेजर्स एज वेल एज अडल्ट करते हैं जिससे कि हेयर फॉल होता है, 10 ऐसे लाइफस्टाइल मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि अपने हेयर को ओवर वॉश मत करें। अगर आप अपने हेयर को ओवर वॉश करते हो तो आपका जो स्कैल्प है आप उसको स्ट्रिप अप कर रहे हो, ठीक है, और हेयर आपका बहुत ज़्यादा लूज होता है, एज अ रिजल्ट हेयर फॉल आपको देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आपका हेयर वेट कंडीशन में है उसको कभी कोम मत करें, क्योंकि जब आपका हेयर वेट रहता है आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा वेट और ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो उसी टाइम में अगर आप किसी हार्ड या फिर हार्श कोम के थ्रू आप उसको कोम करेंगे तो आप अपने हेयर रूट्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा प्रोन टू पिकिंग अप कर दोगे, जिससे कि आपको हेयर फॉल दिखने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो कभी भी आपका स्कैल्प वेट है या फिर आप हाल ही में नहा के आए हो उसके 15 मिनट्स बाद आप हेयर को कोम करें, क्योंकि तब तक हेयर आपका ठीक तरीके से ड्राई हो जाएगा जो स्कैल्प है। तीसरा रीज़न ये है कि अपने हेयर को ड्राई करने के लिए हमेशा शॉर्टकट ना लगाएं, जैसे कि ब्लो ड्रायर। अभी आप नहा के आ रहे हो, आप हमेशा आपको टाइम नहीं, आप शॉर्टकट के थ्रू अपने हेयर को ड्राई करना चाहते हो, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है, क्योंकि आप हमेशा अपने हेयर को थ्रू आर्टिफिशियल हीट या फिर आर्टिफिशियल एयर के थ्रू अगर आप एक्सपोज करते हो वो भी आपके स्कैल्प को वीक कर देता है, जिससे कि आपको हेयर फॉल और हेयर लॉस दिखती है। रीज़न नंबर 4 ये है कि इंटेंस टॉवल ड्राइंग। जी हाँ, अगर टॉवल का वैसे ही सरफेस बहुत ज़्यादा रफ होता है, आप उसको इंटेंसली या फिर बहुत ही हार्शली आप अपने हेयर को थ्रू टॉवल रब करोगे तो आपको 100% हेयर फॉल दिखेगी, क्योंकि हमेशा बहुत सारे आर्टिकल्स या फिर बहुत सारे हेयर रिलेटेड ग्रूमिंग मैगजीन्स में आप देखोगे कि हेयर को हमेशा स्मूथली जेंटली रब करना चाहिए। अगर आप हार्शली करोगे तो आप रूट से उसको खींच ही लोगे, राइट, क्योंकि हेयर बहुत पतले होते हैं और उसको जेंटली रब करना चाहिए। ठीक है, तो हार्शली टॉवल को रब मत करें, जेंटली करें, उससे आपका हेयर भी हेल्दी रहेगा। रीज़न नंबर 5 ये है कि टाइट हेयर स्टाइल्स रखना कम कर दे या फिर अवॉइड करें, क्योंकि आप कंटिन्यूअस वे में अगर आप हेयर स्टाइल को थ्रू रबर बैंड या फिर हेयर बैंड से पीछे की तरफ उसको पुल कर रहे हो तो आपके जो फ्रंट हेयर में टेंशन बन रहा है, टेंशन बनने के कारण वो उसका टेंडेंसी हो जाता है कि वो अपने जड़ से उठ के आ जाए। तो 2-3 करके आप एवरीडे लाइफ में या फिर आप कुछ दिनों के बाद आप देखने को यही मिलेगा कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो टाइट हेयर स्टाइल्स अवॉइड करें रखना जितना पॉसिबल हो सके। रीज़न नंबर 6 ये है कि आप इनफ न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप इनफ प्रोटीन नहीं खा रहे हो, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हेयर्स, नेल्स, स्किन किसी को भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि आप, मैंने बहुत सारे टीनेजर्स को आजकल देखा है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं, अंदर खाना, घर के खाना नहीं खाते हैं वो लोग प्रेफरेबली, और उससे क्या होता है, मैंने जैसे कि नोटिस किया है वाइट हेयर्स, पिगमेंट लूज़ कर जाते हैं अपने हेयर्स को। आप किसी भी डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, वो हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि अच्छा न्यूट्रिशन ही आपके हेयर्स, नेल्स, स्किन को अच्छा कंडीशन में ला सकता है। तो अच्छा न्यूट्रिशन एज वेल एज प्रोटीन खाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप अच्छा प्रोटीन का कंजम्पशन लोगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। रीज़न नंबर 7 ये है कि
कि आपका स्कैल्प शायद अनहेल्दी है। जी हाँ, बहुत से लोगों को, आजकल के लोगों को एक ही प्रॉब्लम हमेशा सताती है कि डैंड्रफ डैंड्रफ या फिर सर खुजलाता है, ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल डर्मेटाइटिस एज वेल एज डर्मेटाइटिस। अगर आपको स्कैल्प में खुजली होती है, ज़्यादा डैंड्रफ होता है, उससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जल्द से जल्द एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप कंसल्ट करें और इसको फिक्स करें, नहीं तो हेयर फॉल एक लार्ज स्केल में होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और एक एक्सटेंड के बाद आप कुछ भी रेमेडी आजमा लो वो काम के लायक नहीं होगा। रीज़न नंबर 8 ये है कि टू मच स्ट्रेस इज़ हार्मफुल फॉर योर हेयर ग्रोथ। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो हेयर फॉलिकल है वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, रेस्टिंग फेज में जाने के कारण न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है डेली थोड़ा बहुत हेयर फॉल सबका होता है, एक दो करके, लेकिन न्यू हेयर भी ग्रोथ होता है। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपका हेयर फॉल तो होगा ही, एज वेल एज आपको न्यू हेयर ग्रोथ भी नहीं दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो स्ट्रेस लेना कम करें, एक ही ज़िंदगी है, उसको अच्छे से सुकून से जिए। रीज़न नंबर 9 ये है कि अल्कोहलिक स्प्रे जैसे कि हेयर स्प्रे होता है, आप अपने हेयर को सेट करने के लिए बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें, क्योंकि जो अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होता है वो आपके हेयर क्यूटिकल को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, जिसके कारण आपको हेयर डैमेज, स्कैल्प डैमेज एज वेल एज हेयर फॉल दिखने को मिलेगा। सो हेयर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ मत करें, जब भी आप किसी ओकेशन पार्टी में जा रहे हो तभी यूज़ करें, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ना यूज़ करें, यही मेरा रिकमेंडेशन है। और रीज़न नंबर 10 ये है कि अपने हेयर पे डेली शैम्पू यूज़ ना करें अगर आप ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हो। जी हाँ, ऑयल क्या करता है, हमारे स्कैल्प में थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और शैम्पू क्या करता है, हमारे हेयर को स्मूथ दिखाने के चक्कर में उसको ड्राई कर देता है, और हेयर अगर ड्राई हो जाएगा कॉन्स्टेंटली तो हेयर के रूट्स कमज़ोर हो जाएंगे और हेयर फॉल आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। शैम्पू हफ्ते में एक दो बार करना अच्छा है, डेली मत करें शैम्पू, आपको बहुत ही ड्रास्टिक हेयर फॉल दिखने को मिलेगा। तो अगर आपको हेयर फॉल रोकना है तो शैम्पू यूज़ करना कम करें, ठीक है, बंद नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तब भी आपको बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखने को मिलेगी। हेयर पे ऑयलिंग लगाओ और शैम्पू करो। और एक बोनस टिप यही देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बंदों को मैं आजकल देखता हूँ कि हेयर कलर डालते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स, और कलर डालने से फ्रॉम रूट्स अगर आप डालते हो तो आपका हेयर फॉल होने का चांसेस हो जाता है। जी हाँ, आप अच्छे कलर डालो जिसमें अमोनिया नहीं होगा, ये अमोनिया बहुत ही बड़ा रीज़न है हेयर फॉल करवाने के लिए। अगर आप ऐसे कलर डालते हो, किसी आप पार्लर में जाते हो, आप रैंडमली बोलते हो मुझे हेयर डाई करवाना है, और अगर आप हेयर डाई करवा रहे हो, आप ब्लीचिंग कर रहे हो, उसमें बहुत हाई अमाउंट में अमोनिया रहता है, तो अगर उसको आप अपने इस पे स्कैल्प पे हिट करवा रहे हो तो आपका हेयर रूट्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, एज अ रिजल्ट आपको हेयर फॉल दिखने को मिलेगी। अगर आप हेयर करवा रहे हो और उसमें अमोनिया है तो रूट्स को अवॉइड करें, और ऐसा ही किसी कलर करें जिसमें अमोनिया ना हो अगर आपको हेयर कलर करवाना हो, ठीक है। और ऑनियन जूस अगर आप यूज़ करते हो अपने स्कैल्प में तो आपके स्कैल्प में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी अच्छा बना देता है। जी हाँ, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है तो आपके हेयर लॉसेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी एज वेल एज डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही रिकमेंड करते हैं कि रात को सोने से पहले आप हमेशा अपने हेयर को कॉम करें। कॉम करोगे तो स्टाइलिंग नहीं होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, आपका प्राइमरी ये है। अगर आप कॉम करते हो आपके हेड में सर्कुलेशन होता है, तो स्कैल्प में सर्कुलेशन होता है, जिससे कि हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो आज के वीडियो से हमें यही जानने को मिलता है कि अगर आपको आपका मसल को ठीक करना है, आपके हेयर्स को इम्प्रूव करना है, एज वेल एज आपके स्किन को आपको इम्प्रूव करना है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे रास्ते मत आजमाओ, शॉर्टकट्स मत आजमाओ, जिससे कि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फायदे से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि मैं कह चुका हूँ, आप शॉर्टकट आजमाओगे तो आपको फायदा से ज़्यादा नुकसान होगा। उस समय के लिए आपको टेम्पररी बेनिफिट दे देगा कुछ समय के लिए, लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम शॉर्टकट। तो आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।